नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेरी 800 की एक और नई वीडियो। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मेरी गाड़ी का ऑयल पूरा ख़त्म हो चुका था दोस्तों, इस वजह से ये स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा लीकेज की प्रॉब्लम है, नीचे से इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल टपक रहा है। आप यहाँ चेक कर सकते हैं ऑयल किस तरीके से यहाँ पर लीकेज हो रही है। तो इसको हम आज लेके चलते हैं मैकेनिक के यहाँ पर और पूरा इसका काम करवाते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, कौन सी सील डलना है दोस्तों। तो हर एक चीज़ मैं आपको आज बताऊंगा और इसके पहिए में भी आवाज़ है तो वो पूरा सब काम करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं यहाँ पर संतोष भैया के पास भोपाल में। और आपको पता होगा कि मेरी गाड़ी का टोटल काम यहीं पर होता है और यहाँ पर क्योंकि जेन्युइन काम किया जाता है और जेन्युइन पार्ट्स डाले जाते हैं। तो अभी संतोष भैया गाड़ी के नीचे चेक कर रहे हैं कि ऑयल कहाँ से लीकेज हो रहा है। तो इन्होंने बताया कि इस गाड़ी के इंजन की मेन सील कट गई है तो इसको चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए हमको इंजन को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये फिटिंग खुलना स्टार्ट हो गई है और ये हमारी गाड़ी का इंजन ऑयल और गियर ऑयल निकल चुका है। तो इसको हमने अभी बॉटल में भर दिया है और आप देख सकते हैं इंजन निकलने के बाद कितनी ज़्यादा इसमें लीकेज थी, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, लीकेज की वजह से क्लच प्लेट के अंदर भी ऑयल चला गया था, इस वजह से हमें पिकअप भी सही नहीं मिल पा रहा था। और ये आप देख सकते हैं गियर बॉक्स हमने वॉश कर दिया है पानी से क्योंकि इसके अंदर भी बहुत ऑयल था। और यहाँ पर दोस्तों यह रहती है मेन सील गियर बॉक्स और इंजन के बीच में डली होती है, तो यहीं से पूरा ऑयल की लीकेज हो रही है तो इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। ये दोस्तों 50 रुपये के अंदर ये सील मिल जाती है, लेकिन इसको चेंज करवाने के लिए इंजन को बाहर निकालवाना पड़ता है। तो ये आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से ये सील रहती है। इसके साथ ही दोस्तों, हमने यहाँ पर गियर बॉक्स की टॉप गियर सील भी चेंज करवा रहे हैं क्योंकि अभी ये खुला है तो हम दोनों सील डलवा दे रहे हैं ताकि लीकेज की प्रॉब्लम ना आए। और ये हमारी मेन सील आ चुकी है दोस्तों जो कि यहाँ पर लगेगी, और ये हमारी टॉप गियर सील है गियर बॉक्स की जो कि हमने इसको भी रिप्लेस करवा दिया है। और ये हमारी टेपेट कवर पैकिंग है, यहाँ से भी हल्की सी लीकेज हो रही थी तो हमने इसको भी पूरा चेंज करवा दिया है। आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि हमारी मेन सील लग चुकी है इंजन की और यहाँ पर ये टॉप गियर सील अब लग जाएगी गियर बॉक्स में बॉन्ड के साथ। तो कुछ इस तरीके से ये गियर बॉक्स में लगती है, आप यहाँ देख सकते हैं 4 नट की मदद से इसको लगाया जाता है। और ये हमारी इंजन की वापस फिटिंग होना स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिच प्लेट लग चुकी है मेन सील के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ लेफ्ट साइड के पहिए में भी आवाज़ आ रही थी तो इसकी ड्राई शाफ्ट कट चुकी है तो इसको हम बाहर निकाल के रिपेयर करवाएंगे, चेंज नहीं करवा रहे हैं क्योंकि ये 3000 रुपये की आती है। और ये स्टेयरिंग रैक हम चेंज करवाएंगे क्योंकि ये पहले 2 बार रिपेयर हो चुकी है तो इस बार हम इसको नया डलवाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पर ओरिजिनल स्टेयरिंग रैक आ चुकी है, ये अब हमारी गाड़ी में इंस्टॉल होगी। ये सोना कंपनी की स्टेयरिंग रैक है दोस्तों, और MGP के अंदर भी सोना कंपनी की ही स्टेयरिंग रैक निकलती है तो मैंने ये बुलवाई है। ये मुझे 3000 रुपये की पड़ी है, ये मेरी पुरानी स्टेयरिंग रैक यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये हमारी नई स्टेयरिंग रैक है जो कि अब गाड़ी में इंस्टॉल की जाएगी। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से स्टेयरिंग रैक इस जगह पर लगती है, फिटिंग स्टार्ट हो चुकी है स्टेयरिंग रैक की। ये हमारी दोस्तों ड्राई शाफ्ट भी रिपेयर होके आ चुकी है, 700 रुपये में ये रिपेयर होती है और 6 महीने की वारंटी मिलती है हमको। इंजन भी हमारा फुल कंप्लीट होने वाला है, अब इसको गाड़ी में लगाया जाएगा। साथ में हमने इसमें क्रॉस मेंबर भी चेंज करवाया है, MGP का ओरिजिनल क्रॉस मेंबर हम लेके आए हैं, आप देख सकते हैं मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट्स जो कि 1110 रुपये में मुझे ये मिला है। ये हम इसलिए चेंज करवा रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये जो पहले डला था वो डुप्लीकेट क्रॉस मेंबर था और इसमें रस्टिंग की प्रॉब्लम आ रही थी और इसका डायमेंशन भी सही नहीं था, इसलिए अब हम इसमें MGP का ओरिजिनल क्रॉस मेंबर डलवा रहे हैं। और यहाँ पर इंजन की वापसी फिटिंग होना चालू हो गई है गाड़ी के अंदर क्योंकि इसमें सिर्फ सील डलना था और कुछ काम नहीं था।
तो ये दोनों सील गाड़ी में डल चुकी हैं इंजन में, और ये इंजन वापस गाड़ी में लग चुका है। ड्राई शाफ्ट और स्टीयरिंग रैक भी हमारी गाड़ी की लग चुकी हैं। यहाँ पर दोस्तों जो ऑयल हमने निकाला था वही ऑयल हमने वापस डाल दिया है, क्योंकि ये अभी 400 किलोमीटर ही यूज किया हुआ ऑयल है। जब ये थोड़ा ज़्यादा चल जाएगा तो हम इसमें मोबिल का ऑयल डलवा देंगे। यहाँ पर दोस्तों हमने इसमें कूलेंट भी चेंज करवा दिया है और एयर फिल्टर भी चेंज करवा दिया है। ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, आप सुन सकते हैं साउंड। अब मैं आपको इसका लीकेज बताऊंगा दोस्तों, एक दो दिन बाद इसका प्रॉपर की लीकेज है या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने ब्रेक शू चेंज करवाए थे, तो ये व्हील सिलेंडर भी लीकेज था जो कि गांव पर मिला नहीं था। तो अब हम इसको भी यहाँ चेंज करवा दे रहे हैं, क्योंकि ब्रेक वाली बात है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं व्हील सिलेंडर कुछ इस तरीके से लीकेज हो चुका था। तो अब हम इसमें KBX का ओरिजिनल व्हील सिलेंडर डलवा रहे हैं जो कि 250 रुपये के लगभग आता है, कुछ इस तरीके से लगता है। 261 रुपये इसकी MRP है दोस्तों। और ये हमारी गाड़ी का व्हील सिलेंडर लग चुका है। फिटिंग होने के बाद दोस्तों इसकी एयर निकाली जाएगी ब्रेक ऑयल डालकर, जो कि मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर हमको ब्रेक ऑयल डालना पड़ता है, उसके बाद दोस्तों अंदर हमको पेडल को पंपिंग करना पड़ता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एयर निकल रही है ऑयल के साथ। तो दोस्तों हमारा टोटल काम हो चुका है, अब हम जाएंगे अपने गांव। रात हो गई है, तो मैं आपको फिर इसकी वीडियो बना के बताऊँगा सुबह या फिर शाम को, चलने के बाद इसमें लीकेज तो नहीं आई है। तो ये आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, लीकेज बिल्कुल पूरी प्रॉपर ख़त्म हो चुकी है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।